कहां थे कांग्रेस के लोग? इनके राज में स्वामीनाथन आयोग बना, 8 साल तक स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन, उसकी अनुशंसा फाइलों में दबी रही, कभी उन्होंने लागू करने का ना काम किया। स्वामीनाथन जी ने खुद कहा है, मेरी अनुशंसाओं को बांधने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनें, पुलिस की लाठियां पड़ती थी, सरकार बदली, नीयत बदल गई, नीयत बदल गई तो पिछले 6.5 साल से किसानों को ना यूरिया की कमी है, ना डीएपी की कमी है, ना बीज की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है, ना लाइनें लगती है, ना पुलिस की लाठियां खाते हैं। क्यों हुआ आखिरकार ये? सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जो डिसीजन दिया है, जो अभी डेट आनी है, उसके बारे में आपका क्या है? उसी की वेट कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार हमेशा कानून में विश्वास करती है, अदालतों में विश्वास करती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारा अटूट विश्वास है। हमने हमेशा, हमारी सरकार ने भी, हमारी पार्टी ने भी अदालत के फैसलों को माना है। लेकिन अदालत के फैसले किसने नहीं माने? वो भी यही दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, जिनको आज मोदी सरकार से पता नहीं क्या क्या परेशानियां हैं, इन्हीं लोगों ने अदालतों के फैसले ठुकराए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा, क्या इन कानून को आप स्थगन कर सकते हैं? आपने कोई अभी जवाब नहीं दिया उसका? नहीं नहीं, स्थगन की बात नहीं है, कोई मुद्दा तो हो स्थगन करने के लिए। जो उनकी मांग थी उनको केंद्र सरकार मानने को तैयार है। क्या देश का किसान ये नहीं चाहता? एक उत्पादक अपने पेन को, अपनी गाड़ी को, अपनी मोटरसाइकिल को, अपने टीवी को, अपने फ्रिज को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है। क्या बुरा कर दिया मोदी सरकार ने? अगर किसान को बंधनों से मुक्त कर दिया, आजादी दे दी, उसकी इच्छा पर निर्भर कर दिया, अगर आपको मंडी में अच्छा दाम मिलता है तो मंडी में बेचो, अगर मंडी से बाहर अच्छा दाम मिलता है तो बाहर बेचो। हर बात में इनको अमानी और अडानी नजर आते हैं। ये बताइए, जो ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती, अभी 2019 में ही कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए पंजाब की सरकार ने जश्न मनाया था। क्यों मनाया था? किसकी सरकार है वहां? अडानी गेहूं खरीदता नहीं है, सिर्फ भंडारण का काम करता है और वो भी उसकी मालिक एफसीआई है। वो उसकी अनाज की सुरक्षा के लिए अपना योगदान देता है, उसका अनाज के व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक स्वामीनाथन की बात है, स्वामीनाथन ने खुद कहा है कि मेरी रिपोर्ट को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम स्वामीनाथन जी ने कहा था, ये मोदी जी ने शुरू किया है, उनकी सरकार ने शुरू किया है। कांग्रेस की सरकार 2009 से लेकर 2014 तक एमएसपी पर जितने खाद्यान्न की खरीद उन्होंने की, ये रिकॉर्ड है, आप निकाल, उससे डबल खरीद मोदी जी की सरकार ने की, उसे डबल भुगतान, जितना भुगतान खाद्यान्न के लिए यूपीए कांग्रेस की सरकार ने 2009 से लेकर 2014 तक किया, उससे डबल भुगतान मोदी जी की सरकार ने किया। किसकी जेब में गया? किसकी जेब में पैसा गया? किसान की जेब में पैसा गया। और कांग्रेस की सरकार सिर्फ धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीद करती थी। हमें किसी की भी आत्महत्या कोई करे उसका हमें बहुत दुख है, ऐसा कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूं, किसान कहां है? कहां आंदोलन है? एक कुंडली बॉर्डर पर, एक जब कुछ लोग किसान तो अपनी खेती में लगे हुए हैं, एक किसान देश विरोधी लोगों के हाथों में चला गया है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर किसानों का भला नहीं चाहते। जिन दलों के राज में किसानों की हालत बद से बदतर होती गई, आज वो बात बना रहे हैं। तो किसानों पर तो हमने लाठियां और गोलियां चलती देखी हैं इन विपक्षी दलों के राज्यों में, लेकिन मोदी जी की सरकार वो काम नहीं करेगी। मैंने कहा ना, किसानों के हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है, के खेती मोदी सरकार के लिए प्राथमिकता है, किसान के घर में खुशहाली लाना, उसको आत्मनिर्भर बनाना, उसको आर्थिक तौर पे मजबूत करना, उसकी फसल की कीमत दुगनी मिले, ये मोदी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, किसानों के घर में खुशहाली आए,
किसान को फसल की उचित कीमत मिले, समय पर खाद पानी किसान को मिले, ये सब व्यवस्थाएं मोदी जी की सरकार ने पिछले 6 सालों में कर दिखाई है। और वो चाहते हैं कि मेरे देश के किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो। उन किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लिए उन्हें समय समय पर उन्होंने अनेक किसान हित में फैसले किए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज किसान आंदोलन में राजनीतिक दल घुसाए हैं जो कुर्सी के काटे हुए हैं। देश के लोगों ने वोट की उनको ऐसी चोट मारी है कि वो किसी भी तरीके से उस चोट से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए किसान आंदोलन के पीछे ऐसे देश विरोधी लोग आ गए हैं जो इस देश में हिंसा और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी अपनी मंशाओं में सफल नहीं होंगे। मोदी सरकार के द्वार किसानों के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से एक बार नहीं 6 बार वो वार्ता कर चुके हैं। मोदी सरकार किसानों से टकराव नहीं चाहती, वो बातचीत चाहती है, मुद्दों का समाधान करना चाहती है, शंकाओं का निवारण करना चाहती है। इसलिए 6 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन हर बार आप जरा बताइए, किसान शुरू में किन लक्ष्यों को लेकर आंदोलन शुरू किया था, आज कहां पहुंच गए हैं वो लोग? हर बार नई नई मुद्दे लेकर आते हैं, जब उन मुद्दों का समाधान हो तो अगली बार दूसरे मुद्दे लेके आ जाते हैं। क्या चाहते हैं फिर आखिरकार? इसका कुछ तो निवारण होगा। इसका निवारण एक है कि बातचीत करके जो उनको शंकाएं हैं वो बताएं कि किसानों का क्या नुकसान हो सकता है। उनकी मांग थी कि MSP को लिखित में दिया जाए, पहली मांग थी, सरकार उसे मानने को तैयार है। APMC मंडियां समाप्त नहीं होंगी, किसान उसको भी मानने को तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में उनको कहते थे हमको सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिए, वो भी मानने को तैयार है। किसानों की जमीनों को व्यापारी हड़प लेंगे, उसको भी मानने को तैयार है किसी कीमत पर किसान, क्योंकि फसलों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन ये क्या किसान आंदोलन कहेंगे इसको आप? जिस पर सर्जिल इमाम, उमर खालिद, भिंडरावाला के पोस्टर लहराए जाते हों, देश विरोधी दंगा फैलाने वालों को रिहा करने की मांग की जाती हो, क्या किसान आंदोलन के मुद्दे हैं? क्या ये किसानों के मुद्दे हैं? तो ये लोगों की समझ में आ रहा है, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से उपवास करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये हर किसी का मौलिक अधिकार है। लेकिन ऐसे आंदोलनों से जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, लोगों का आवागमन बाधा मुक्त हो जाए, बाधा आ जाए, लोग नौकरी पे ना पहुंच सकें, हॉस्पिटल ना पहुंच सकें, अपने गंतव्य तक ना पहुंच सकें, ये ठीक नहीं है। अपनी बात तो ये कह रहे हैं जी कि ये आपने इनके उसको कमजोर करने के लिए किया है। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं, हमने कोई कमजोर नहीं, हम तो किसान को मजबूत देखना चाहते हैं। और इसीलिए मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में किसानों के हित में अनेक क्रांतिकारी फैसले किए हैं। तो इसलिए मैंने कह दिया, बार बार वही बात है, किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके हित हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए किसान का कल्याण ही मोदी सरकार का संकल्प है। अब एक लास्ट, हरियाणा में, हरियाणा जो मंत्रिमंडल है उसमें संतोष है, JGP में सूत है, निर्दलीय भाग के जा रहे हैं, उसमें आप क्या कहोगे? कहीं कोई नहीं भाग, टूटने के कगार पर। सबकी आस्था मनोहर जी की सरकार में है, मनोहर जी की सरकार पूरी तरह से मजबूत है, पूरे 5 साल चलेगी और अगले 5 साल भी फिर मोदी जी, मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा में JGP साथ रहेगी। अब JGP साथ है, देखिए पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी मनोहर जी की सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायक है, चाहे JGP है, चाहे कोई भी है, मनोहर जी की सरकार पूरी तरह से मजबूत है और मजबूती के साथ हरियाणा के लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उसके खिलाफ बगावत शुरू कर, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना।